तो आगे देखिए कि हम यहां तीन फ्रेमें कंसिडर करने वाले हैं, ओके। तीन फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं यहां। पहले जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो दो फ्रेम के रेस्पेक्ट में था, अब हम लोग तीन फ्रेम को काम करने वाले हैं। देखिए, यहां हमने एस नॉट फ्रेम ऑलरेडी लिया हुआ था, उसके लिए कोऑर्डिनेट जो थे वो एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। एक दूसरा फ्रेम ने कंसिडर किया हुआ था एस, जो था आपका एक्स वाई और जेड, जो वी वे नॉट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में चल रहा था। तीसरा जो है वो आपका थर्ड फ्रेम है, जो हमने माना कि वो वी नॉट, वी बार वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, जहां पर वी वी बार जो है वो वेलोसिटी ऑफ एस बार है फ्रेम की विथ रेस्पेक्ट टू आपकी एस नॉट, ओके। और वी नॉट जो है वो ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू एस है, ओके ओके। अब समझिए कि इन दोनों के वेलोसिटी में भी कुछ कनेक्शन होगा, जिसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एस बार विथ रेस्पेक्ट टू एस, ओके। अब कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको कंसिडर करने, डायरेक्टली मैं टाइम बचाने के लिए यहां पे लिख दिया हूं कि आपको क्या है कि अगर आपकी इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, आपका इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, तो आप तीनों को सिंपली इंटर रिलेटेड कर सकते हैं, ओके। बस सिंपल एसटीआर की थ्योरी से एडिशन ऑफ वेलोसिटी के कंसेप्ट से, किससे आप एडिशन ऑफ वेलोसिटी के कंसेप्ट से आप इसको सिम कर सकते हैं। तो देखिए यहां क्या होगा कि जो वी बार है, ओके, यानी इस वाले, यानी वेलोसिटी ऑफ एस बार विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाय वन प्लस वी नॉट प्लस वी बाय सी स्क्वायर, ओके। ये आपकी होने वाली वेलोसिटी, ओके। यानी ये तीनों फ्रेम आपस में इस एडिशन के रूल से इंटर रिलेटेड होने वाले हैं। नाउ जब वेलोसिटी इंटर रिलेटेड होंगे तो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटर रिलेटेड होंगे। वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड होंगे पहले उसको समझते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि आपको इन दोनों फ्रेम्स के बीच में इंटर रिलेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब क्या है कि आपको इन दोनों फ्रेम के बीच में इंटर रिलेशन को समझना है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली वैसे ही करने वाले हैं। देखिए यहां ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब में बार लगा हुआ है, और यानी अब जब यहां पर वाई इज इक्वल टू गामा नॉट ई नॉट था, तो यहां पर आ जाएगा EY बार इज इक्वल टू गामा नॉट ई नॉट आ जाने वाला, ओके। ये होने वाला है सिमेट्रिकली, यहां से गामा, वहां गामा नॉट था, यहां गामा बार आ जाएगा, गामा बार इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस वी बार का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ओके। और एक्स कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, ये आपको पहले ही यहां से मैंने समराइज करवा दिया, ओके। जो सरफेस करंट था यानी के, उसमें क्या चेंजेस होंगे, के बार इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बार वी बार आई कैप होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको याद रखने पहले ही है कि वो जेड डायरेक्शन में, ओके। तो बी जेड में यहां लिख रहा हूं माइनस म्यू नॉट सिग्मा बार और वी बार, ओके, ये आपके कोऑर्डिनेट्स में है। अब क्या करना है, ये तो हो गया इस वाले फ्रेम की इस वाले के रेस्पेक्ट में निकाल चुके हैं, इस वाले फ्रेम की इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाल चुके हैं आपस में इंटर। अब हम आसानी से इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दूं तो क्या होने वाला है रिजल्ट। चलिए देखते हैं, ई वाई बार बाय ई वाई इज इक्वल टू गामा बार ई नॉट बाय गामा नॉट, ओके। ये और ये कैंसिल आउट, यानी आपका हो गया ई वाई बार इज इक्वल टू गामा नॉट ई नॉट इज इक्वल टू ई वाई, ओके। और आप ई वाई के बदले में क्या लिखना चाहेंगे, ओके, ई वाई के बदले में आप क्या लिखना चाहेंगे, यहां से आप ई वाई के बदले में लिखना चाहेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहेंगे डेफिनेटली, ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो होता ही है, और आपको चूंकि ई वाई है तो वो उस फ्रेम में आपकी जो चाइल्ड डेंसिटी थी वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गई आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो यहां बार छूट गया है, ओके। तो यहां जब मैग्नेटिक फील्ड के लिखने के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां बी बार, इसको थोड़ा सा मैं पहले अरेंज कर देता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो मैं अगर यहां से एक थोड़ा सा गौर कीजिए कि सिग्मा बार क्या होने वाला है, सिग्मा बार क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वहां सिग्मा इज इक्वल टू जब इन दोनों फ्रेम में एक्सपेक्ट में कर रहे थे तो वहां गामा नॉट सिग्मा नॉट हो रहा था, अब इस फ्रेम में लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू
गामा बार जो कि इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं फैक्टर था बाय सिग्मा नॉट होने वाला, ओके ये होने वाली है। तो आप यहां सिग्मा बार के बदले में इसको आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहां से आसानी के साथ, गामा नॉट गामा बार सिग्मा नॉट वी बार, ओके। और एक चीज है कि अब आपको इस वाले को इस वाले के सरफेस करंट से इंटररिलेटेड करना है, तो वो कैसे करेंगे आप इससे इंटररिलेटेड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां सिग्मा नॉट बदले में क्या आ जाएगा सिग्मा बाय गामा नॉट, तो आप इसको यहां से रिप्लेस कर दीजिए माइनस गामा माइनस म्यू नॉट गामा नॉट बाय गामा और यहां सिग्मा नॉट वी बार, ओके सिग्मा नॉट वी बार, ओके। और वी बार ऑलरेडी आप जानते हैं, वी बार आप ऑलरेडी यहां जानते हैं, ओके। तो ये बातें कुछ आपको पता चली कि ये आपस में इस तरीके से इंटरलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा बेटर रिजल्ट हमको चाहिए, तो बेटर रिजल्ट के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कॉम्प्लिकेटेड, अब तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना फर्दर चाहेंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए क्योंकि आगे इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, मैं यहां कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करने वाला हूं, तो डायरेक्ट रिजल्ट्स आप यहां देखिएगा। सबसे पहला डायरेक्ट रिजल्ट जो होने वाला है वो आपका है इन दोनों का डायरेक्ट रिजल्ट, ओके गामा नॉट बाई गामा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा जो यहां एल्जेब्रा करने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब यहां बहुत ज्यादा लेंदी होगा, तो मैं यहां डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, गामा बार बाय गामा नॉट का क्या मतलब होगा, पहले तो ये देखिए गामा बार था कितना 1/1 माइनस वी बार का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ओके। और गामा नॉट क्या होगा 1/1 माइनस सॉरी आप इस वाले के लिए इसके यहां लिखें, इस वाले के लिए आप इसको यहां लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं। और वी बार जो है ऑलरेडी आप यहां जानते हैं, तो अब वी बार की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके देन फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ओके देन फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन आएगा, बट हम उस कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा स्किप करता हूं उसको और सीधा जो है मैं रिजल्ट पे फोकस करता हूं। रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, गामा नॉट बाय गामा इक्वल टू गामा, ओके गामा गामा बाय 1 वी वी नॉट बाय सी स्क्वायर, जहां गामा की जो वैल्यू है वो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी इन दोनों की गामा के फैक्टर है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपका, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट का यूज आप करेंगे इसको सॉल्व करने में, ओके किसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में आप इसको यूज करने वाले हैं डायरेक्ट रिजल्ट, ओके। तो आप क्या कीजिए कि इधर वाले की आप फोटो ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रह जाए। तो देखिए फर्दर मैं इसको सॉल्व इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, यहां से अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो इसका कोई काम नहीं है यहां से, और इस वाले का काम है यहां, ओके। तो देखिए यहां से थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, तो देखिए ध्यान से यहां से क्या करते हैं हम लोग यहां कि अगर मैं यहां से ई वाई बार निकालना चाहता हूं इज इक्वल टू गामा नॉट बाय गामा इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, जब आप इसकी वैल्यू को यहां सिग्मा गामा बाय गामा नॉट की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा गामा बाय 1 वी नॉट बाय सी स्क्वायर इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब गामा को ये रहने दीजिए, आप इसको यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया वी वी नॉट बाय सी स्क्वायर इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ओके। अब देखिए थोड़ा फर्दर ध्यान देने वाले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका था EY, ओके तो आप इसको सिंपली EY से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए फर्दर यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाले, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कुछ की, यहां मैं इस वाले से अच्छा है कि मैं इस वाले का यूज करता हूं। यहां से देखिए आप क्या देख सकते हैं कि यहां सिग्मा इंटू सिग्मा वी नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है बीजेड बाय माइनस वी नॉट, तो अगर मैं उस वाले को यहां इनपुट करता हूं तो यहां हो जाएगा माइनस आपका म्यू नॉट नीचे सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है आपका, और इन दोनों टर्म यहां वी और साथ साथ आपका बीजेड, ओके क्लियर है। तो ये एक छोटा सा बात था, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके आप देखे होंगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 1/c², तो इसको अगर यहां यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो आपकी 1 हो जाने वाली, ओके वो आपकी क्या हो जाने वाली है 1 आने वाली, ओके
तो फर्दर जब मैं इस चीज को लिख रहा हूं यहां से, तो आप क्या देखते हैं यहां से फर्दर इसको थोड़ा सा अरेंज करके, तो सिंपल है कि मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए अब यहां से गामा टाइम्स ऑफ ई वाई माइनस वीजेड, क्योंकि नीचे वाला टर्म आपका वन हो गया। ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट मिला है आपका ई वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, ई वाई के रेस्पेक्ट में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब फर्दर बातें ये हैं कि अगर आप यही वाला काम बीजेड, क्योंकि बीजेड बार की बातें कर रहा हूं मैं, बीजेड बार के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर इस फ्रेम में करते हैं तो फिर से आप इसी तरह कुछ स्टेप्स करेंगे, फर्दर आप उसी तरीके से पढ़ेंगे और आपको फिर एक रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स पे आ जाता हूं, कि मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं कि क्या क्या आने वाले हैं, किस किस फ्रेम के किस किस कोऑर्डिनेट्स में, किस किस डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे फर्दर अभी मैं यहां टोटल शॉर्ट में लिखना समराइज करने वाला हूं। ओके, तो इस वाले का तब कोई इजेड का तो काम हो गया। ओके, इस वाले का भी कोई काम नहीं है, तो मैं फर्दर तो आपको यहां तक आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी यहां से डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आराम से, और टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी अपडेट्स रहे तो आपको वहां मिलते रहे रेगुलर में। ओके, तो देखिए यहां जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको बताया, उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं कुछ इस तरीके से, याद रखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका जो मैंने फ्रेम समझाया उसी फ्रेम के लिए ये वैलिड होने वाले हैं। ओके, ex इज इक्वल टू ex, ओके, यानी आपके कोई भी x कॉम्पोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आते, उसी तरीके से bx बार इज इक्वल टू bx होने वाला। ओके, और ey बार जो अभी हमने निकाला है डायरेक्टली, सॉरी ये मिट गया, ey माइनस ey बार इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ey माइनस vvz। सिमिलरली अगर आप इस चीज को निकालते हैं गामा टाइम्स ऑफ by प्लस, ओके, मैं थोड़ा सा इसको यहां से डायरेक्टली यहां वैल्यू इनपुट कर रहा हूं यहां से, आप देख सकते हैं प्लस v by c स्क्वायर इंटू ey। ओके, फर्दर अगर आप ez लिखना चाहते हैं तो गामा टाइम्स ऑफ ez प्लस vy हो जाने वाला है, और vy इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ओके bz माइनस v by c स्क्वायर, यहां c स्क्वायर है, इंटू ई जेड होने वाला है। ओके, यहां आपका वाई था, यहां से थोड़ा सा यहां ई वाई। ओके, क्लियर है आपका? तो आप यहां देख सकते हैं, यहां वाई और जेड का था, यहां वाई है, तो आपका इस जगह पे थोड़ा सा चेंजेस है कि आप यहां देख सकते हैं वाई का वाई के साथ था, यहां जेड के वाई का, यहां आपके जेड के फ्रेम में होगा। ओके, ठीक उसी तरह यहां आपका वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ओके, इस बात का फर्दर ध्यान रखिएगा कि क्या होने वाले हैं। ओके, तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया हुआ, सारे के सारे क्या है, फ्रेम है, कि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव करता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक फ्रेम में अगर आपके है, तो वो दूसरे फ्रेम के साथ आप उसको किस तरीके से इंटर रिलेटेड कर सकते हैं, वो इस चीज के साथ। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, ये आपके इंटर रिलेशन हो गए। अब फर्दर जो कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो आपको यहां से सॉल्व करने, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, या तो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद, यह है कि आपको एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कब से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। फर्दर यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, दो तीन बातें। रिजल्ट का प्रूफ क्या है, पहला कि ई डॉट बी इज इनवेरियंट। ओके, ई डॉट बी इज इनवेरियंट होने वाला है, मतलब आपके एक फ्रेम में दूसरे में ई डॉट बी का प्रोडक्ट और दूसरे फ्रेम में ई डॉट बी का रिजल्ट जो होने वाला है क्या। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप ई बार, ई बार के रेस्पेक्ट में और ये ई बार के रेस्पेक्ट में अगर आप कीजिएगा तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलता है। ओके, दूसरा क्या होता है कि आपका ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी क्या है आपका इनवेरियंट रह जाता है। ओके, क्या रह जाता है आपका, ये भी रिजल्ट क्या रह जाता है, इनवेरियंट हो जाता है। ओके, अब और क्या बातें आप यहां से कर सकते हैं जो फिलहाल जो आपको यूज होने वाले हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहां से यूज करता हूं कि अगर आप एक फ्रेम में इफ बी को जीरो कर देते हैं,
ओके, बी को आपने यानी एक फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, आपने बी को जीरो कर दिया। तो बी को जीरो करने का क्या मतलब है, आपने बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इज इक्वल टू जीरो की, ओके, और आपकी जो फ्रेम की वेलोसिटी थी वो आपकी वी आई कैप है, क्योंकि आपने देखा ही था जब मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो है वो आपकी प्लस एक्स के डायरेक्शन की तरफ थी। इसको फर्दर जब आप इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, ओके, इस जब रिजल्ट्स को आप इस वाले रिजल्ट में यूज करते हैं, आप जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि बी बार इज इक्वल टू माइनस वन बाई सी स्क्वायर वी क्रॉस ई, ओके, वी क्रॉस ई बार, ओके, ये वाला आपका इस रिजल्ट मिलने वाला, ओके, ई बार के रिस्पेक्ट, यानी आप इन दोनों को इस तरीके से इंटरलेटेड कर सकते हैं, ओके। दूसरा क्या जो आपको मिलने वाला है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया एक फ्रेम में, ओके, पहले वाले फ्रेम में जो आप एस फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो आपको इस बार जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा जो, चलिए यह काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कि अगर आप ई को जीरो कर देते हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं यहां से कि ई एक्स भी जीरो हो जाने वाला है, ई वाई भी जीरो होने वाला है और ई जेड भी फर्दर जीरो हो गए। तो आपको करना क्या है, ये भी जीरो है, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपकी जो ईवाई की जो वैल्यू थी, ओके, ईवाई जो थी आपकी, ई एक्स जो थी आपकी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो आप, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या कर सकते हैं आप, यहां आप ई एक्स बार को यहां जीरो लिख सकते हैं, ईवाई बार जो होने वाला है वो आपका होने वाला है गामा टाइम्स जीरो माइनस वी बीजेड बच जाएगा, यानी माइनस गामा बीजेड हो जाने वाला इस फ्रेम के लिए। और जब आप ई जेड करते हैं तो इसमें जीरो माइन प्लस वी बी वाई हो जाने वाला है, यानी आपका ये रिजल्ट्स होंगे, ओके। तो ये फर्दर आपको रिजल्ट्स कुछ मिलेंगे आपको जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, ओके, और ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने वाली बात है, ओके। तो इस तरह से ये जो फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया, इस पूरी चीज को आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चीज को आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर कंप्लीट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।